दोस्तों, अगर आप भी जडेजा को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पारी के एक ही ओवर में 37 रन और 5 छक्के जड़ने के बाद जडेजा ने कुछ ऐसा कहा कि आप भी उन्हें सलाम करेंगे, और खास तौर पर धोनी पर क्या कह गए जडेजा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी आज जडेजा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के नाम क्रिकेट के गलियारों के इतिहास के पन्नों में अब सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है, क्योंकि आईपीएल 2021 के एक मैच में जडेजा ने आज ऐसा कारण कर दिया कि उन्होंने युवराज सिंह तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, युवराज तक के नाम एक ओवर में 36 रन लगाने का रिकॉर्ड था, लेकिन एक T20 टूर्नामेंट में यानी कि IPL में अब जडेजा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 37 रन बना दिए हैं। आपको बता दें कि ये रोमांचक मुकाबला चेन्नई और RCB की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत में धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मुकाबले की शुरुआत पूरी तरीके से चेन्नई के हक में रही। डुप्लेसिस और गायकवाड ने मिलकर टीम को 100 तक पहुंचा दिया था और 10वें ओवर तक कोई विकेट भी नहीं था। लेकिन इसके बाद जैसे लगातार विकेट्स गिरने लगे चेन्नई की टीम के। दोस्तों, गायकवाड़ 33 रन, फाफ डुप्लेसिस 50 रन, तो वही रैना 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए थे। इस बीच रायडू भी 7 गेंदों में 24 रन लगा गए। लेकिन अब थे मैदान पर धोनी और जडेजा। एक आखिरी ओवर चल रहा था और आखिरी ओवर से पहले चेन्नई की टीम बस चाहकर भी 154 रन ही बना सकी थी। जाहिर सी बात है कि RCB की टीम जो कि पॉइंट टेबल में टॉप पर चल रही है, उसके लिए लक्ष्य तो ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसी बीच जडेजा का ऐसा तूफान आया कि पूरा मैच ही पलट गया। ओवर में जडेजा का सामना हर्षल पटेल से हुआ, और यकीन मानिए कि इस खतरनाक ओवर की पहली 2 गेंदों में ही जडेजा 19 रन जड़ चुके थे, क्योंकि तीसरी गेंद तो एक नो बॉल थी। और दोस्तों, फ्री हिट पर भी जडेजा ने छक्का जड़ा, तो मतलब कि 3 गेंदों में जडेजा के नाम 25 रन दर्ज हो चुके थे। इसी छक्के के साथ दोस्तों जडेजा ने अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। आगे चलकर उन्होंने 2 और छक्के जड़े और एक ही ओवर में 5 छक्के एक चौके की मदद से उन्होंने 37 रन टीम को दिलाए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, जडेजा के इस ओवर ने चेन्नई की टीम की दशा ही बदल कर रख दी थी। 154 से टीम उठकर 191 पर पहुंच गई और RCB की टीम को लक्ष्य मिला पूरे 192 रनों का। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया था दोस्तों जडेजा की 28 गेंदों में 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं धोनी तक के होश उड़ गए थे। परंतु दोस्तों, एक ही ओवर में 37 रन व 5 छक्के जड़ने के बाद जडेजा ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातचीत करते हुए जडेजा ने कहा कि यह वाकई में मेरे लिए एक बहुत ही खास पारी थी। एक ओवर में 37 रन जड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा ध्यान छक्के जड़ने पर नहीं बल्कि अपनी टीम के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने पर रहा है। केवल गेंद को हिट करने की सोच रहा था, गेंद मेरे जोन में भी आ रही थी, और क्योंकि जब आप 2 से 3 छक्के लगाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आप हर गेंद पर छक्का लगा सकते हैं। मैंने धोनी भाई से ओवर के बीच में भी इस बारे में बातचीत करी थी और उन्होंने कहा कि मुझे वही करना चाहिए जो मैंने इस ओवर की बाकी गेंदों पर किया है, और यकीन मानिए कि उसी डिस्कशन के बाद मैं 2 और छक्के लगा पाया। को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब टीम को जरूरत थी तो अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेल पाया, आखिरी ओवर में 37 रन लगा सका। बीच बीच में मैंने धोनी भाई से बात करी थी और उनका कहना यही था कि टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना है, और मेरे दिमाग में केवल वही एक बात थी जिसको फॉलो करके मैंने लगातार छक्के भी लगा दिए। और वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि अपनी टीम के लिए एक ओवर में 37 रन लगा सका और 68 रन की पारी भी खेल पाया। दोस्तों, जडेजा वाकई में कितने शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इस बात को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। फील्डिंग से तो वो सबको चौंकाते ही हैं, उनकी बल्लेबाजी की तो क्या ही मिसाल दी जाए, और गेंदबाजी में भी वो विकेट लेते हैं। लेकिन आप सभी फिलहाल जडेजा की इसी परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।